नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि ये सैमसंग का देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों सेम मॉडल है और इसमें प्रॉब्लम है कि फ्रेंड्स मान लीजिए ये फ़ोन डेड है, एक तरह से कस्टमर यानी बोल के गया है कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने इसे चेक किया था, उसके बाद ये पता चला है कि फ़ोन तो ऑन है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें बैटरी लगा हुआ है। फ़ोन मान लीजिए चेक किया, शॉर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं है, बैटरी भी चार्ज है। उसके बाद मैंने चेक किया तो ये फ्रेंड्स, ये चार्ज में लगाने के बाद हुआ ये कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चार्ज में लगाने के बाद फ़ोन चार्ज भी हो रहा है प्लस ऑन भी हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑन हो रहा है और फोन ये ऑन भी हो चुका है और उसके बाद सब कुछ वर्क भी कर रहा है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मैंने इसे चार्जर अनप्लग किया और फोन ऑफ। हालांकि बैटरी चार्ज भी है फ्रेंड्स, उसके बाद भी ऐसा होता है, फुल चार्ज होने के बाद भी मान लीजिए चार्जर आउट किया और फोन ऑफ हो गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दूसरा फोन है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैटरी लगाने के बाद फोन ऑन नहीं हुआ है, ऑन नहीं हो रहा है और चार्ज में लगाने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये चार्ज होने लगा है, चार्ज ले लिया और इसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये ऑन हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑन हो चुका है, बल्कि ऑन भी हो चुका है और पूरा वर्क भी कर रहा है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये चार्जर अनप्लग किया, फ़ोन ऑफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए, हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, फ़ोन ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स इसका बहुत ही छोटा सा ट्रिक है फ्रेंड्स, हालांकि इससे पहले मैंने इसका वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला था, लेकिन ये सही से नहीं बन पाया था, बिल्कुल क्लियर नहीं था वीडियो, इसलिए फिर से मैं बना रहा हूँ। हालांकि ये प्रॉब्लम अधिकतर फॉल्ट आता है, देखते हैं बराबर था ये प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो आप चार्जिंग आईसी देख रहे हैं, यहाँ पे सॉरी ये पानी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाटर डैमेज फोन है और यहाँ पे चार्जिंग आईसी है। इसके बगल में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कंपोनेंट्स भी टूटा हुआ है, ये रेजिस्टेंस यहाँ का टूटा हुआ है, जिसके कारण ये फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम भी आ रहा है। और मान लीजिए ये रेजिस्टेंस रहने के बाद भी ऐसा होता है क्या, यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई नहीं पहुंच पाने के कारण भी ये सेम प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स अभी हमें करना क्या है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है चार्जिंग आईसी के बगल में ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमें ये दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना है, उसके बाद चेक करना है कि सॉल्व होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हल्का इसे साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद हल्का फिनिश से, या तो आप मान लीजिए जो भी केमिकल यूज करें उसे हल्का साफ कर लें। साफ करने के बाद हल्का पेस्ट डालें इस पर।
फ्रेंड्स वाटर डैमेज के कारण देख सकते हैं बुरी तरह से यहाँ का प्रिंट जा चुका है। तो हमें करना क्या है, आगे वाला पॉइंट से हाँ, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक फ़ोन का बस सेम प्रॉब्लम था, जो कि यहाँ से यहाँ तक सप्लाई यहाँ जम्पर मैंने मार दिया है, इसमें तो पूरी तरह से वाटर डैमेज था। और इसमें फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं क्या है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से और यहाँ तक का ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ जो ये रेजिस्टेंस दिख रहा है चार्जिंग आईसी के बगल में, यहाँ से यहाँ तक का जम्पर यानी यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूटी रेंज बजना चाहिए, हमें करना क्या है यहाँ से और यहाँ पे एक जम्पर खरीद लेना है। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे भी ये एक सर्किट तो मैंने सॉल्व कर लिया हूँ, बस सेम यहाँ से ये फ़ोन जो था पानी में गिरा हुआ था, जो कि बढ़िया से इसका प्रिंट गया हुआ था, जो कि देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ मैंने यहाँ से बहुत प्रयास करने के बाद एक जम्पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मारा हूँ, और ये फ़ोन में भी बस सेम प्रॉब्लम लग रहा है देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी चलिए चेक कर लेते हैं सप्लाई की क्या है, एक यहाँ इस रेजिस्टेंस पे रखना और दूसरा यहाँ पे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो हमें करना क्या है यहाँ से यहाँ तक का एक जम्पर करना है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं जम्पर करके क्या होता है। हाँ तो फ्रेंड्स एक जम्पर आपको यहाँ पे लेना है, वही जम्पर को आपको करना क्या है, ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है इस पर आयरन चला के और यहाँ पे आपको इसी पॉइंट पे जम्पर कर देना है। फ्रेंड्स देख सकते हैं अब दोनों फोन को देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों फ़ोन में मैंने सेम जम्पर किया हूँ, यहाँ से इसमें यहाँ का भी सप्लाई कटा हुआ और इस फ़ोन में भी यहाँ से सप्लाई कटा हुआ, दोनों में जम्पर तो कर दिया फ्रेंड्स। अब दोनों फ़ोन को एक साथ ऑन करके देखते हैं क्या होता है, ऑन होता है या नहीं। चलिए इस फ़ोन में भी लगाते हैं बैटरी, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये दोनों फोन कम्प्लीटली तौर पे ऑन हो चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है, ऑन होता है या फंसता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स प्लीज एक लाइक तो बनता है, और आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।